जिनकी जितनी हिस्सेदारी होगी उतनी हिस्सेदारी हम उनको देने का काम करेंगे। लवकुश समाज हो, अति पिछड़ा समाज हो, दलित महादलित समाज हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हो, या सवर्ण जात के भी जो सामाजिक न्याय पसंद लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, उनको भी जितना हिस्सा, उनका भी जितना हिस्सा होगा, उनको भी इस विरासत में हिस्सा देने का काम करेंगे, हिस्सा उनका भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। तो इसी रूप में आगे हमारी पार्टी चलेगी और पार्टी का क्या एजेंडा वगैरह होगा वह सब फिर बाद में बताएंगे। अभी आप जानना चाहिए कि पार्टी का नाम क्या होगा। हम थोड़ी चर्चा इस बात के लिए फिर से करेंगे कि जो लोग भी कह रहे थे कि RLSP को इन्होंने जिंदा रखा है, लोग झूठ बोल रहे थे, उपेंद्र कुशवाहा की छवि को बदनाम करने के लिए कर रहे थे। RLSP का मर्जर उसी वक्त हो गया और बाजाबता हम लोगों ने उस वक्त बैठक करके प्रस्ताव लेकर के इलेक्शन कमीशन को सुपुर्द कर दिया, इसलिए RLSP नहीं है। हम तो सब छोड़ कर आए थे, हम नहीं जानते थे कि एक दिन ऐसा आवेगा कि इस विरासत को संभालने के लिए फिर से हमको कमान संभालने की जवाबदेही हमारे साथी मेरे ऊपर देंगे। लेकिन वह दिन आ गया तो फिर से नई पार्टी बनाने का काम हमको करना है और नई पार्टी जो बनाने का निर्णय हमारे साथियों ने लिया है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की जवाबदेही भी मेरे ऊपर सौंपी है, उस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय लोक जनता दल। राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रीय लोक जनता दल, यही नई पार्टी है। राष्ट्रीय लोक जनता दल या जनता दल की पूरी विरासत को समेटकर आगे बढ़ने वाली पार्टी होगी, इस दृष्टि से हम सब लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।